नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे हमें बैंक लोन की एंट्री पास करनी है टैली में, कैसे उसकी अकाउंटिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। एंड वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अकाउंट से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वायरी है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका अकाउंटिंग करेंगे। लोन अमाउंट 1 लाख रुपीस का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 10% है, टर्म 1 ईयर्स का है, प्रोसेसिंग फीस जो है 1000 प्लस GST 18%। सपोज कीजिए प्रोसेसिंग फीस जो है 1000 है प्लस 18% GST इस पर आपको एप्लीकेबल होगा। देखिए जब आपका लोन सेंक्शन हो जाता है तो आपको बैंक जो है एक स्टेटमेंट देता है रीपेमेंट शेड्यूल का, उसमें सारा EMI जो है कैलकुलेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होता है, इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। यहाँ पे देखिए मंथ वाइज आपको दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है 1 लाख रुपीज़ है टोटल, इंटरेस्ट चार्जेस जो है इस पर आप देखिए 5,499.45 पैसे है, टोटल EMI जो है 1,05,499.45 पैसे का टोटल EMI बन रहा है। इसमें देखिए अकाउंटिंग एंट्रीज जो हम पोस्ट करेंगे वो मेनली 3 एंट्रीज जो है वो पोस्ट करेंगे। सबसे पहले हम रिसिप्ट की एंट्री पोस्ट करेंगे, जिस बैंक के थ्रू हम रिसीव कर रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगा, हमारा बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा। एंड सेकेंड एंट्री हम पेमेंट की करेंगे, जो प्रोसेसिंग फीस जो होता है वो उसकी पेमेंट की एंट्री हम सेकेंड करेंगे। एंड थर्ड इसमें आएगी EMI की एंट्रीज, जो EMI हम पे करेंगे उसकी एंट्री। तो चलिए देखते हैं कि टैली में कैसे इसकी एंट्री जो है हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो एंट्री करने से पहले हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहला हम लेजर क्रिएट करेंगे उस बैंक अकाउंट का, जिस बैंक अकाउंट से हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, लोन रिसीव कर रहे हैं। PNB लोन अकाउंट कर देती हूँ मैं, अंडर ये आएगा सिक्योर्ड लोन के। अब यहाँ पे आप बैंक का सारा डिटेल फिल कर दीजिए, बैंक का एड्रेस वगैरह सारा कुछ, यहाँ पे GST नंबर बैंक का आ जाएगा। और ये फर्स्ट लेजर जो है वो क्रिएट हो चुका है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे प्रोसेसिंग फीस, ये अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। प्रोसेसिंग फीस जो होता है वो हमारा खर्चा होता है, इसलिए वो एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। स्टेटरी इन्फॉर्मेशन में आप देखिए इस GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पे एप्लीकेबल हम करेंगे। सेट अल्टर GST डिटेल्स पे हम यहाँ पे यस प्रेस करके सारी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप सेम प्रोसेसिंग फीस टाइप कर दीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे ले लीजिए परचेस टैक्सेबल, यहाँ पे आप टैक्स अमाउंट डाल दीजिए 18%। एंड यहाँ पे सर्विसेज सेलेक्ट करके ये लेजर आप एक्सेप्ट कर दीजिए। सेकेंड लेजर क्रिएट हो चुका है। थर्ड लेजर हम क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट पेड अमाउंट का, ये अंडर जाएगा, ये भी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में जाएगा। इस तरीके से थर्ड लेजर जो है वो भी क्रिएट हो चुका है। अब चलिए इसकी हम एंट्री देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले हम रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे, डेट यहाँ पे डाल लीजिए 1 अप्रैल 2020। यहाँ पे जो क्रेडिट हो जाएगा वो अकाउंट क्रेडिट होगा, वो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा जो हमें लोन दे रहा है। PNB लोन अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पे 1 लाख रुपीज़। डेबिट हमारा अकाउंट होगा SBI बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज़ से। नरेशन आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए बिंग लोन फ्रॉम PNB बैंक। सेकेंड एंट्री इसकी हम पोस्ट करेंगे प्रोसेसिंग फीस की पेमेंट की एंट्री पास करेंगे इसमें, तो डेट आप चेंज कर लीजिए यहाँ पे 1 अप्रैल कर लीजिए। डेबिट हो जाएगा प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपीज़ था उसका प्रोसेसिंग फीस, अगेन डेबिट होगा यहाँ पे टैक्स अमाउंट डेबिट होगी। सपोज कीजिए 1000 पे 18% लग रहा है, तो CGST हम 9% लगाएंगे, 1000 का 9% हो जाएगा 90 रुपीज़। एंड इस पर अगेन डेबिट होगा SGST 90 रुपीज़, और क्रेडिट हमारा बैंक हो जाएगा
जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं, जिस बैंक में आपने लोन रिसीव किया है, यहाँ पे आप नरेशन टाइप कर दीजिए, बींग अमाउंट पेड फॉर प्रोसेसिंग फीस अगेंस्ट लोन। थर्ड एंट्री जो है वो हम पास करेंगे ईएमआई की, ये भी पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। रीपेमेंट शेड्यूल शीट देखिए, यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो है, तो यहाँ पे हम सब जैसे हमने अप्रैल में लोन लिया था तो इसका फर्स्ट ईएमआई जाएगा 1 मई को। डेबिट वो अकाउंट होगा जिस अकाउंट से हमें लोन मिला है, पीएनबी लोन अकाउंट। देखिए 8333.33 पैसे का है, तो यहाँ पे ये अमाउंट हम फिल कर लेंगे। अगेन डेबिट होगा इंटरेस्ट पेड अमाउंट जो है वो डेबिट होगा, तो इंटरेस्ट पेड अकाउंट जो है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अमाउंट हम फिल कर लेंगे। इंटरेस्ट कितना था फर्स्ट, 458.26 पैसे, तो यहाँ पे अमाउंट फिल करके फिर क्रेडिट हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा, SBI बैंक अकाउंट, जिस अकाउंट में हमने पेमेंट रिसीव किया है, लोन रिसीव किया है जिस अकाउंट में। देखिए 8791.59 पैसे का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया है। यहाँ पे आप नरेशन टाइप कर दीजिए, बिंग अमाउंट पेड फॉर इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री हो चुकी है। इसी तरीके से सेकेंड इंस्टॉलमेंट की एंट्री हम करेंगे 1 जून में। पीएनबी लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 7589.26 पैसे, डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट पेड अकाउंट। इंटरेस्ट कितना हमने पेड किया है इस मंथ जून में, 1202.33 पैसे। यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा हमारा SBI बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप नरेशन टाइप कर दीजिए कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट है ये। इसी तरीके से थर्ड इंस्टॉलमेंट की एंट्री हम पास करेंगे। डेट आप चेंज करते जाइए मंथ वाइज, जैसे हमने जून का किया था, आप जुलाई का करेंगे 1 जुलाई। पीएनबी लोन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। अमाउंट आप यहाँ से देख लीजिए शेड्यूल से, 8000 है। अगेन हम डेबिट करेंगे इंटरेस्ट पेड अकाउंट, 791.59 का इसका इंटरेस्ट पेड अमाउंट है। नरेशन में आप टाइप कर दीजिए कि थर्ड इंस्टॉलमेंट जा रही है ये। इसी तरीके से हम फोर्थ इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास करेंगे। अगर आप चाहें तो डुप्लीकेट करके भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि लेजर तो सेम होगा, सिर्फ अमाउंट चेंज होगी, तो इसीलिए आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डेट चेंज कर दीजिए और प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा मंथ वाइज जो भी होगा। फिर उसके बाद सेम एंट्री है, यहाँ पे नरेशन में आप चेंज कर दीजिए कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। इसी तरीके से आप सारे इंस्टॉलमेंट की एंट्री वन बाय वन कर लेंगे एवरी मंथ डेट चेंज कर करके। यहाँ देखिए 1 सितंबर में हम कर रहे हैं 6th इंस्टॉलमेंट की एंट्री कर रहे हैं, 226 पैसे यहाँ पे इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं हम सेप्टेम्बर मंथ में। अगेन डुप्लीकेट करके मैं कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर को हम 8591.33 पैसे है, एंड इसका जो है इंटरेस्ट पेड हम कितना कर रहे हैं इस मंथ में, 456.26 पैसे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इस तरीके से नरेशन चेंज हो जाएगा कि ये 6th इंस्टॉलमेंट है। इसी तरीके से 1 नवंबर में हमें एंट्री पास कर लेंगे एक और इंस्टॉलमेंट की। इसका प्रिंसिपल अमाउंट देखिए 8691.33 पैसे है और इंटरेस्ट हमने पेड किया था इसमें 100.26 पैसे। नरेशन चेंज हो जाएगा, नरेशन में 7th इंस्टॉलमेंट हम मेंशन कर देंगे। इस तरीके से बैक टू बैक एंट्री सारी हम कर लेंगे। एक लास्ट एंट्री हम पोस्ट करेंगे मार्च मंथ में। पीएनबी लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से, 8491.59 के इंटरेस्ट पेड हो जाएगा इसमें 300 रुपीज़, और हमारा अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से हमने पूरी एंट्री कर ली है इंस्टॉलमेंट की, 12 एंट्रीज। देखिए पीएनबी लोन अकाउंट जो है वो देखिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का हमने लोन लिया था। देखिए पीएनबी लोन अकाउंट से हमने 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया था, तो सारी इंस्टॉलमेंट की एंट्री यहाँ पे पास हो चुकी है।
अब देखिए पीएनबी लोन अकाउंट नील हो चुका है। यहाँ पे सारी इंस्टॉलमेंट आपको, सारे इंस्टॉलमेंट की एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। देखिए रीपेमेंट शेड्यूल शीट से हम देख लेते हैं, 1 लाख रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट की एंट्री हो चुकी है सारी। इसी तरीके से हम इंटरेस्ट अकाउंट का भी लेजर चेक कर लेते हैं एक बारी, डेट चेंज करके देखिए। यहाँ पे सारी 12 एंट्रीज आपको शो हो रही होगी मंथ वाइज, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक की सारी एंट्रीज। टोटल इंटरेस्ट जो हमने पे किया है 5,499.49 पैसे का। देखिए यहाँ टैली में भी जो एंट्रीज़ है 5,499.49 की हो गई है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर एंट्री करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट उस शीट से और इससे मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी बैंक लोन की एंट्री इजीली पास कर सकते हैं और उसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेकआउट कर सकते हैं। अकाउंट से रिलेटेड मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसके सारे लिंक मैंने वहाँ पर ड्रॉप किए हुए हैं, वहाँ से जाके आप मेरी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। थैंक यू।